दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम महागठबंधन। मोदी के खिलाफ 35 करोड़ मुसलमानों की रणनीति तय। हिंदुओं को तोड़ो, मुस्लिमों को जोड़ो। अब कोई शिया सुन्नी नहीं, कोई देवबंदी बरेल भी नहीं। तुम लड़ते रह जाओगे, तुम देवबंदी, तुम काफिर, तुम मुशरिक, तुम अहले हदीस के झगड़े में पड़कर रह जाओगे, असल मैटर को भूल जाओगे कि हम मुसलमान हैं। 2019 में मोदी के खिलाफ सबसे बड़ी ऐलान जंग। 25 करोड़ आपके नहीं, आपके 35 करोड़ की तैदाद है हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मुसलमानों के सबसे बड़े सम्मेलन में तय हुई रणनीति। सोशल मीडिया में जो खुलासा सामने आया, उसमें 2019 के चुनाव में मोदी को सत्ता से हटाने का फॉर्मूला तय हुआ। इसी सम्मेलन में एक मौलाना मुसलमानों को उनकी ताकत का एहसास कराते हुए कहता है कि सभी मुसलमान एक साथ रहते तो एक चाय बेचने वाला देश का बादशाह नहीं बन पाता। अगर आप मुत्तहिद होते तो एक चाय बेचने वाला आपका गुरु नहीं होता, आपका बादशाह नहीं होता। देश भर में इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। देखिए किस तरह मुसलमानों के सम्मेलन में मौलाना जर्जिस सिराजी नाम का ये मुस्लिम धर्मगुरु पीएम मोदी को आतंकवादी बता रहा है। इसको कहा जाता है दहशतगर्दी, इसको कहा जाता है आतंकवाद, इसको कहा जाता है टेररिज्म। जाओ, अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो जो केस बनता है बनाओ मेरे ऊपर। हमने नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहा है, जाओ जो केस बनता हो बनाओ मेरे ऊपर। इस मोदी पागल से पूछ रहा हूँ, तू आज क्यों भूल गया तेरी छाती 56 इंच की थी। आज हम हमारे लोग घास काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घास काट रहे हैं। खुदा की कसम, वो दलांतियां वहां पर घास नहीं काटेंगी, छेड़ने वालों की गर्दनें खड़ी। मौलाना तय कर चुके हैं कि किसी भी सूरत में मोदी दोबारा प्रधानमंत्री न बन पाए। खुद सुन लीजिए। 2019 करीब है, मुसलमानों अपने अंदर इत्तेफाक पैदा कर लो, इत्तेहाद पैदा कर लो। इतना याद रखना, अगर तुम्हारे दरमियान ना इत्तेफाकी हो गई, तुम्हारे दरमियान अगर ना इत्तेफाकी हो गई तो रेपिस्टों और बलात्कारियों की सरकार फिर दोबारा भी बन जाएगी। बाबरी मस्जिद हमारी दिलों की धड़कन है, हमारे आबाओ अजदाद की बनाई हुई बाबरी मस्जिद है। ओ मोदियो योगी, याद रखो, अगर तुमने उसको बनाने की कोशिश की तो तुम्हारे हाथ तोड़ दिए जाएंगे, तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। एक और मौलाना का बयान सुनिए जो खुलेआम मुसलमानों से अपील कर रहा है कि अगले चुनाव में भाजपा और मोदी को हराने के लिए विपक्ष के हाथ मजबूत करें। मुसलमानों को भी चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा वोट पोल करें और मुल्क को आगे ले जाने में अपोजिशन की मदद करें। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने तो भाजपा और मोदी को रोकने वाले हर दांव को आजमाने को कहा। कहीं बीएसपी का बढ़ रहा है उसे आगे बढ़ा दो, कांग्रेस का बढ़ रहा है उसे आगे बढ़ा दो, समाजवादी पार्टी का बढ़ रहा है आगे बढ़ा दो, आपका आगे बढ़ रहा है आगे बढ़ा दो, बीजेपी को ना आने दो। मुस्लिम धर्म गुरु मुफ्ती मोहम्मद सनाउल्लाह होदा कासिम को मोदी राज में जमहूरियत खतरे में नजर आ रही है। क्या इस वक्त जमहूरियत खतरे में है, क्या इस वक्त जमहूरियत खतरे में है। MIMIM के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने तो सारी हदें ही पार कर दी है। चाय वाले, चाय 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 बोल रहा है, हमको छेड़ मत, याद रख, इतना बोलूंगा कि कान में से पीप बहने लगेगा, खून निकलेगा। तो देखा आपने किस प्रकार देश भर के मुस्लिम धर्मगुरु और नेता मोदी को हटाने की साजिश में लग गए हैं। ये उसी रणनीति का हिस्सा है जिसमें 90% मुसलमान हिंदुओं को सबक सिखा सकते हैं, जिसे कांग्रेसी नेता कमलनाथ ने टॉप सीक्रेट मीटिंग में कहा था। आज मुसलमान समाज के अगर 90% वोट नहीं पड़े तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इनसे सावधान रहने की जरूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएं, फिर इस देश में दोबारा
कोई मोदी पैदा नहीं होगा।